जैसे कि आप जान रहे हैं कि पूरे प्रदेश में निषाद समाज के हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारे निषाद के 22 पूरी है दीन दलदार नुनिया मला सभी एक प्लेटफॉर्म पे है, एक ही छत के नीचे हैं और सभी ने अपने आने वाले बच्चे का भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए मजबूती से सभी संगठन में काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी में जिस तरीके से हम लोगों ने संघर्ष करके एक मुकाम को हासिल किया, और आपने देखा कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने 75 साल से हमारे लोगों को दबा के अपने पैरों तले रखा था, उनको हजम नहीं हुआ। एक मछली मारने वाले का बेटा, एक मल्लाह का बेटा आज बिहार प्रदेश में सरकार चला रहे हैं और टिकट बांट रहे, तो वो उनको परेशानी हुआ और उसको लेके उन्होंने देखिए कि किस तरीके से जो सरकार हमने बनाया, जो सरकार में मुख्यमंत्री हमने बनाया, शायद उस रोज अगर मैं समर्थन नहीं देता तो आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते। हमने ईमानदारी से काम किया और आज देखिए उन्होंने हमारे साथ किस तरीके से चल किया। इसको लेकर पूरे प्रदेश में अपने लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं और लड़ाई लड़ने के लिए सबको आह्वान कर रहे हैं और मजबूती से संगठन पार्टी के साथ जुड़कर और मजबूती से ताकत दिखाएंगे आने वाले समय में। आपने देखा हाल फिलहाल में बोछा में हमने चुनाव लड़ा, एक तरफ एनडीए ने अपनी सारी शक्ति लगा दिया, 45,000 वोट लाया, लेकिन हमने अकेले अपने दम पर 30,000 वोट लाया और जो सीट हमने 12,000 वोट से 2020 में जीता था वही सीट को एनडीए को 37,000 वोट से हारना पड़ा। तो ये ताकत हमारी है। अगली राजनीति क्या होगी, क्योंकि भाजपा से भी आप मतलब अगली राजनीति समय आएगा। देखिए बिहार में वीआईपी पार्टी निषाद समाज को, अति पिछड़ा समाज को इग्नोर करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चल सकता है और हमारे पास एक अपना ताकत है 17-18% वोट बैंक का। जिसको बिहार में मुख्यमंत्री बनना है उसको निषाद को बेटा को, अति पिछड़ा का बेटा को डिप्टी सीएम मान के चलना पड़ेगा, तब वो मुख्यमंत्री बनेगा, वरना बिहार में कोई मुख्यमंत्री का सपना ना देखे। जी, राजनीतिक घटनाक्रम आपके साथ व्यक्तिगत रूप से चुनाव के बाद लेकर तब तक, जैसे तेजस्वी जी के सभा से आपको निकलना पड़ा था और मंत्रिमंडल से भी निकलना पड़ा, तो क्या लगता है कौन देखेगा आपके समाज आने वाले समय? अपना समाज जो भी है 75 साल से पहले तो किसी ने नहीं देखा, खुद अपने दम पे खड़ा होकर लड़ाई लड़कर और बिहार में अपनी वजूद को कायम किए, और आने वाले समय में भी खुद की लड़ाई खुद को ही लड़ना पड़ेगा। कोई हमें साथ देने के लिए नहीं आ रहे हैं, ना हम अपने ताकत पे आने वाले समय में कामयाबी हासिल करेंगे। आपकी नजदीकी राजद से देखी जा रही है, क्या अगले चुनाव राजद के साथ भी आप लोग? वो समय आएगा चुनाव का, तब देखा जाएगा। अभी दोस्ती यारी तो सबसे है और सबसे मिलना जुलना है। बिहार के 12 करोड़ जनता के बीच में जा रहे, हर किसी के बीच में अपनी बात को रख रहे मजबूती से। अभी हमने झारखंड में भी पार्टी को कल हमने लॉन्च को 3 मार्च में किया, कल वहां पे भी प्रदेश कमेटी का गठन किया, उत्तर प्रदेश में संगठन चला रहे, बिहार में कर रहे, तो ऐसे हम लोग पूरे प्रदेश में संगठन पे काम कर रहे हैं। और आने वाले समय हमारे पास जो ताकत है आज देख सकते हैं कि किस तरीके से हुजूम यहाँ पे उभरा पड़ा है, एक अपने भाई अपने बेटा अपने लोगों को स्वागत करने के लिए। तो यही ताकत हमारी है और आने वाले समय में यही ताकत को लेकर बिहार में लड़ाई लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री कोई बनेगा तो डिप्टी सीएम वीआईपी पार्टी और मल्ला के बेटा को, अति पिछड़ा के बेटा को मानना पड़ेगा। मुकेश जी, इस समय केंद्र सरकार ने बहुत जरूरी चीजों पे जीएसटी लगा दिए, जैसे आटा हुआ, चावल हुआ, छाछ हुआ, दही हुआ, इसको लेकर क्या कहेंगे? खुद भाजपा में भी इसका विरोध हो रहा है। निश्चित तौर पे केंद्र सरकार का नीति सही नहीं है। एक तो पहले जाने अनजाने में अपने दोस्त लोगों को हजारों लाखों करोड़ रुपए आप लोन दे देते बगैर तो किसी गारंटी का, और फिर वो पैसा नहीं दे पाता तो उसको राइट अप कर देते, 17 लाख करोड़ रुपया आपने उनको माफ कर दिया। वो माफ किसका पैसा था? वो किसी गरीब का, किसान का पैसा था, किसी सरकारी नौकरी में करने वाले लोगों का पैसा था। और उस आदमी तो उसको पैसा बैंक में कैसे पहुंचना है? तो वो हिन्दुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आटा पे टैक्स लग रहा है, चावल पे टैक्स लग रहा है, कपड़े पे टैक्स लग रहा है। ये मोदी जी का नीति है। लोगों ने तो घर घर मोदी जी को हर हर मोदी घर घर मोदी कहा था, ये थोड़े कहा था कि हर घर में आप टैक्स खाने के रूप में या कपड़े के रूप में, चावल के रूप में, आटा के रूप में, दही के रूप में, छाछ के रूप में आप पहुंचा दीजिएगा हमारे घर पे। वो तो आपको स्वागत करने के लिए, एक अति पिछड़ा का बेटा, देश में पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री बन रहा था, लोगों में हुजूम था, एक उम्मीद था कि हमारे बहुत सारे समस्या को दूर करना है। लेकिन उनको क्या पता था कि उनके घर में ही आप जीएसटी के रूप में पहुंचा देंगे और बड़े बड़े उद्योगपति को कर्ज माफ करेंगे और उसका बर्डन जो है, वजन जो है, वो गरीब जनता के ऊपर पड़ने वाला है। पार्टी का क्या रुख रहेगा इसको लेकर? निश्चित तौर पर सरकार का पॉलिसी गलत है। और आज तो देखिए कि विपक्ष में तो जिस तरीके से केंद्र में सरकार तानाशाही सीबीआई ईडी वीडी सबको लगा के जिस तरीके से विपक्ष को परेशान कर रहा है, तो इसमें तो यही है कि हम लोग जनता बिहार के और देश के जनता को समझना है और वो जो जिस रोज खड़ा हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे तानाशाह देश से चले जाएंगे। बिहार में एक नया शुरू हुआ है फुलवारी की घटना, कैसे देखते हैं?
ये सब चीजें तो देश में ऐसे घटना होते रहता है और इसमें तो भारत सरकार हो या केंद्र सरकार राज्य सरकार हो इसमें गंभीर है और ऐसे जगह पे जांच की जा रही है और ऐसे दोषी लोगों को पकड़ के जेल भेजा जाए। कुछ पार्टियां राजनीति का आरोप लगा रही है कि ये सब तो होते रहे। ठीक है, जैसे कि आप जान रहे हैं कि पूरे प्रदेश में निषाद समाज के हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारे निषाद के 22 पूरी है दीनदलदार नुईया मला सभी एक प्लेटफॉर्म पे है, एक ही छत के नीचे हैं और सभी ने अपने आने वाले बच्चे का भविष्य के लिए आने वाले कल के लिए मजबूती से सभी संगठन में काम कर रहे हैं और जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी में जिस तरीके से हम लोगों ने संघर्ष करके एक मुकाम को हासिल किया और आपने देखा कि उन लोगों ने जिन लोगों ने 75 साल से हमारे लोगों को दबा के अपने पैरों तले रखा था उनको हजम नहीं हुआ। एक मछली मारने वाले का बेटा, एक मल्ला का बेटा आज बिहार प्रदेश में सरकार चला रहे हैं और टिकट बांट रहे हैं, तो वो उनको परेशानी हुआ और उसको लेके उन्होंने देखिए कि किस तरीके से जो सरकार हमने बनाया, जो सरकार में मुख्यमंत्री हमने बनाया, शायद उस रोज अगर मैं समर्थन नहीं देता तो आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते। हमने ईमानदारी से काम किया और आज देखिए उन्होंने हमारे साथ किस तरीके से चल किया। इसको लेकर पूरे प्रदेश में अपने लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं और लड़ाई लड़ने के लिए सबको आह्वान कर रहे हैं और मजबूती से संगठन पार्टी के साथ जुड़कर और मजबूती से ताकत दिखाएंगे आने वाले समय में। आपने देखा हाल फिलहाल में बोछा में हमने चुनाव लड़ा, एक तरफ एनडीए ने अपनी सारी शक्ति लगा दिया, 45,000 वोट लाया लेकिन हमने अकेले अपने दम पर 30,000 वोट लाया और जो सीट हमने 12,000 वोट से 2020 में जीता था वही सीट को एनडीए को 37,000 वोट से हारना पड़ा। तो ये ताकत हमारी है। अगली राजनीति क्या होगी भाजपा से भी आप अगली राजनीति समय आएगा। देखिए बिहार में वीआईपी पार्टी निषाद समाज को अति पिछड़ा समाज को इग्नोर करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चल सकता है और हमारे पास एक अपना ताकत है 17-18% वोट बैंक का। जिसको बिहार में मुख्यमंत्री बनना है उसको निषाद को बेटा को अति पिछड़ा का बेटा को डिप्टी सीएम मान के चलना पड़ेगा तब वो मुख्यमंत्री बनेगा वरना बिहार में कोई मुख्यमंत्री का सपना ना देखे। जी नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रूपए से 1200 रूपए स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहें, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, चैनल को प्यार और देते रहिए अपना साथ। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।